अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। यह आज हमारा दूसरा मैच था कंपाला में। कंपाला जो कि युगांडा का कैपिटल है, जो कि बहुत खूबसूरत शहर है, जो कि एक माउंटेन एरिया है, पहाड़ी इलाका है, बहुत खूबसूरत शहर है। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। बाकी हम ग्राउंड में जा रहे थे, हमारा सेकेंड मैच था लोगोगो क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि अफ्रीका क्रिकेट क्लब के अगेंस्ट था। मैं अजीज दमाने क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलता हूँ। सो दिस इज़ अ ग्राउंड कंपाला में लोगों को क्रिकेट ग्राउंड है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, पाकिस्तान से तकरीबन अच्छा ग्राउंड है। हमने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया और 55 पर ऑल आउट कर दिया अफ्रीका सीसी को। बाहर आकर हम जूस पीने लगे, फुल इंजॉय करने लगे। ये जूस काफ़ी मज़े का था, लेकिन ये नहीं था पता ये किस चीज़ से बना। बाकी टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये नहीं पता ये किस चीज़ का बना, ठीक है। और ये हमारे मुक्की भाई इंडिया से ये भी कह रहे थे हमें भी ब्लॉग मिलो। और उसके साथ साथ ये बाजी इनका नाम नहीं पता, और ये हम मैच एंजॉय कर रहे थे। ये हमने 55 स्कोर भी अच्छे तरीके से तकरीबन 4 ओवर में पूरा कर लिया था। 2 स्कोर चाहिए था तो भाई जान शॉट मार के आउट हो गए। अब देखिएगा, और ये आउट हो गए भाई जान। तो दोस्त को चाहिए था, वैसे ज़रूरत नहीं थी इन भाई को। अब न्यू बैट्समैन गया, उसने शॉट किया और 2 रन लेने में कामयाब, और इसी तरह हम मैच जीत गए और हम मैच विन कर गए थे इजीली। वो एक तकरीबन 1.5 घंटे में हमारा मैच पूरा हो गया था। बाकी सारी टीम ने शेक हैंड किया। उसके बाद हम बैठे अपना लंच का वेट कर रहे थे। मैच जल्दी ख़त्म हो गया तो इसलिए लंच लेट था। तो लंच के इंतज़ार करते करते हम ब्लॉगिंग भी साथ साथ कर रहे थे। लंच का इंतज़ार करते करते हम ऊपर जब लंच आया तो पहुँचे, तो ये देखे हम सारी टीम लंच के लिए इंतज़ार में खड़े हैं। और ये हमारा रहा लंच, ये था बिरयानी ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की बिरयानी थी। बिरयानी खाने के बाद हम घर को निकल गए। उसके बाद हम गए स्विमिंग के लिए। पूरे दिन की थकावट तो फैसे नहीं थी, क्योंकि मैच तो हम जल्दी ही जीत गए थे, लेकिन बाद में एंजॉय करने के लिए हम स्विमिंग पूल के लिए गए। स्विमिंग पूल बहुत अच्छा था, आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग नहा भी रहे हैं, काफ़ी अच्छा था। लेकिन पाकिस्तान में जो स्विमिंग पूल होते हैं ना, उनमें पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसमें पानी ठंडा नहीं था, पानी नॉर्मल टेम्परेचर का था, लेकिन अच्छा साफ क्लियर वाटर था। और उसके साथ फिर हम नहा कर वापसी निकले। ये एक्चुअली ग्राउंड था, ग्राउंड एक पार्क था, पार्क में स्विमिंग पूल था और बहुत अच्छा पार्क था। वापसी हम बोडा वाला का इंतज़ार करते रहे। बोडा एक्चुअली बाइक्स वाले को कहते हैं, हम उसका इंतज़ार करते रहे। तो जब बोडा आया तो हम निकल गए, देख सकते हैं। उसके बाद हम रात को अब जा रहे हैं नाइट क्रिकेट वो नेट्स के लिए, नेट में खेलने के लिए, जो कि पाकिस्तानी इस्तेमाल मिलकर खेलते हैं। और आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपाला एक माउंटेन एरिया है, माउंटेन इलाका है। ये आप देख सकते हैं, ये माउंटेन्स हैं, उसके ऊपर घर बने हुए हैं। काफ़ी अच्छे घर और काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आता है दिन के टाइम भी और रात के टाइम भी, जिस तरह के आप देख सकते हैं। और इसी तरह सामने से फ्रंट व्यू से भी मैं आपको दिखाऊंगा। और थोड़ा सा आगे ये देखिए, ज़रा सामने फ्रंट व्यू से भी बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं अपने नेट की तरफ। ये सारी पाकिस्तानी कम्यूनिटी है जो कि युगांडा में आबाद है। ये हम क्रिकेट खेल रहे थे, ये फलक शेर भाई जो कि बैटिंग कर रहे हैं। और इसी तरह हमने एंजॉय किया और फिर हम घर चले गए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़।